दर्शक बंधु दुई दिन तले आमे एक खबर देथिलु कि किछि दलालंकर प्रतारणा रे पड़ी किछि भारतीय हेल्पर काम करिबा पई रूस रे पहुंचिबा परे सेमानकु सीधा सडख सेना रे शामिल करा जायतिला एवं युद्ध क्षेत्र रे अवतीर्ण कराइ दिया जायतिला। युक्रेन एवं रूस रो सीमा पाखरे एमानकु रूस तरफरु युक्रेन विरुद्ध रे लढिबा पई जबरदस्ती करा जायतिला एवं एहार जेउंखळी भाबरे वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होवार लागिला। देशर किछि निर्धारित संसद वैदेशिक मंत्रालय सह जोगाजोग करबा आरंभ करथिले। या परे परे भारतर एक्टिव कूटनीति बा सक्रिय कूटनीति द्वारा एबे किछि लोकंकु सेठारु मुक्त होइतबार खबर मिलिछि। तबे सीधा सळख एथिरे वाग्नर आर्मीकर संप्रुक्ति जणा पडिछि। वाग्नर जो भली एक जवान गोष्ठी बोली कहाजो बा को फोर्स बोली कहाजो एहा पुटिनकर सबुठारु विश्वस्त बेसरकारी फोर्स। एही फोर्स रो एक कारनामा विषय मध्य आज आम आलोचना करिबा। प्रथम कथा हला पुटिन कर जणे रोसेया थिला जे रोसेई करी पुटिन को खाइबा को दिए एवं जहां को ना थिला प्रिगोजिन। एते सुस्वादु खाद्य पुटिन को पई प्रिगोजिन निर्माण करथिले बनाइथिले। पुटिन अत्यंत खुशी होई तांकु एक प्राइवेट फोर्स बा प्राइवेट जवान को गोष्ठी प्राइवेट आर्मी रो मुख्य करथिले एवं जेतेबेले प्रिगोजिन रूस रो वाग्नर ग्रुप बा पुटिन कर प्राइवेट आर्मी रो मुख्य होइथिले सेतेबेले से बहु एक्टिव रहिथिले कर्मठ रहिथिले चंचल रहिथिले एवं एही फोर्स को बढ़ेबार मध्य तांकर भूमिका थिला। केवल रूस भितरे नुह विभिन्न आफ्रिकीय देशरे मध्य वाग्नर आर्मी रो उपस्थिति जाहिर रहिथिला एवं मोटामोटी भावरे अनेक आफ्रिकीय देशरे थिबा सुनार भंडार को एमाने रीतिमत विकसित कराई एथिरु आर्थिक फायदा मध्य पाइथिले एवं सुना मध्य रूस को आनिबारे सहायक होइथिले। आफ्रिकन देश मानकरे वाग्नर आर्मी मानकर चाहिदा बढ़िबार मुख्य कारण हला अनेक देशरे एबे सत्ता परिवर्तन रो घटना एवं जेउ माने विद्रोही गोष्ठी एमाने वाग्नर आर्मी रो सहाय्य चाहिथिले एवं प्रतिबदल रे सेमानकर जेउ चुक्ति अनुजाई वाग्नर आर्मी को सेमाने यथेष्ट टंका पैठ करिबार मध्य थिला। ए बाटरे विभिन्न सत्ता परिवर्तनकारी गोष्ठी को सह वाग्नर आर्मी रो सीधा सळख संपर्क रहितला। कहा जाय जेतेबेले क्षमता आसे सेतेबेले अर्थ आसे एवं अर्थ आसिबा परे मनीषर बुद्धिवृत्ति मध्य बाटबणा होई जाय ठीक जेमिति प्रिगोजिनकर होइथिला। जेउ पुटिन तांकु एते बड फोर्स रो मुख्य करथिले प्रिगोजिन चिंता कले कि पूरापुरी पुटिन को रूस रु हटेइ दे से हेबे राष्ट्रपति। एने एक बड धरणर विद्रोह वाग्नर ग्रुप द्वारा करागला पुटिन को विरोध रे किंतु धैर्य एवं सठिक चाल खेलिथिले पुटिन। प्रिगोजिन को मस्को पर्यंत आसिबा को देथिले एवं एतिकि बेले बेलारूस रो राष्ट्रपति आसी मध्यस्थता कले एवं प्रिगोजिन को बेलारूस रे रहिबा पई उपदेश देथिले। प्रिगोजिन बेलारूस रे रहिथिले एवं किछि दिन परे जणा पड़ला कि प्रिगोजिन समेत तांकर दुई सहयोगी एक विमान दुर्घटना रे मृत्युवरण करछन्ति। एबे प्रिगोजिन को जागा नैछन्ती त्रिसेव। त्रिसेव जेबुठारु एही आर्मी रो मुख्य होइछन्ती। सेतिकि बेले वाग्नर आर्मी द्वारा खास करी विभिन्न प्रकार रो देशरु केमिति लोकमाने आसी युक्रेन विरुद्ध रे लढिबे एने एक स्वतंत्र रणनीति प्रस्तुत करा जायथिबार मध्य अभियोग होइथाय एवं अनेक गुडी यूट्यूब चलाउथवा संस्थार मुख्य एही भारतरु रूस को पठाइबा भारतीय मानंक पई दलाल रो काम करथिले एवं मुख्य कारपेटदार मध्य रहिथिले। 2 लाख टंका रो लोभ देखाई हेल्पर चाकरी रूस रे मिलिबो एभली एक लोभ एवं पैसा कमेबार निशा उभय क्षेत्र रे भारतीय माने सेठा को जाई फसी जाइथिबा जणा पडिथिला। रूस एवं भारतर संपर्क पुरुणा जेतेबेले भारतर नेता माने एने एक्टिव हेले चलचंचल हेले रूस सह कथाबार्ता कले एमानक मध्यरु अधिकांश भारतीय को रूस एबे छाडी दैथिबा जणा पडिछि। तबे भारत एवं रूस रो एई जो संपर्क एहा केवल जणे आर्मी पई नुह बरं एबे निकटरे एमिति किछि कूटनीति को सामना कोना जाइछि जहा एक विश्लेषण योग्य। जेमिति कि जेतेबेले रूस एवं युक्रेन युद्ध हला अमेरिका यूरोपियन राष्ट्र तरफ प्रबल प्रतिबंधक रूस उपरे लगा गला एवं अर्थनीति को संभालिबा पई रूस निजर कंचा तैल को बिक्री रे यथेष्ट मात्रा रे ह्रास करथिला दरदाम एवं भारत एहार मुख्य आमदानीकारी देश पलटि जाइथिला एवं एही व्यापार टंकारे करा जाइथिला एवं एही हिसाब रे भारत जेतिकी तेल आनिथिला सेतिकी प्रचुर परिमाण रो टंका रूस रे महजूद हला। परवर्ती अध्याय रे रूस प्रश्न कला कि एही टंका को नै से करिवो कोन
ଭାରତ ତାକୁ ଉପାୟ ଦେଲା କି ରୁଷ ଏହି ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରୁ, ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିଳିବ ବା ଲାଭ ମିଳିବ ଏହା ରୁଷ ସିଧାସଳଖ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏ ନେଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲେନ୍ଦେନ ବେପାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରୁଷ ସହ ଏକ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁରୋପିଆନ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ଅଯଥା ଗୁଡ଼ାଏ ରୁଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରୁଷ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦରବାଜା ବନ୍ଦ କରି ଖୋଲା ରଖିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ରୁଷ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷର ବ୍ୟାପାରିକ ଲେନ୍ଦେନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅପରପଟରେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁରୋପିଆନ ସଂଘ ହଉ ଆମେରିକା ହଉ ଏମାନେ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ଯାହା ରୁଷ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। କେବଳ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଆହୁରି 2-3 ବର୍ଷ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ, ଏହି ସତ୍ୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ରୁଷ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ବୟାନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ରୋଚକ ଶିରୋନାମ ପାଲଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।